Okay, so hi guys, welcome to an Academy Neat. I hope I am perfectly visible and audible. जल्दी से मुझे बता दीजिए if I am audible and visible. और इसी के साथ आज आपका last lecture हो जाएगा for solutions, right? So this will be, आज आपका ये जो solutions chapter हमने finish किया है वो फिनिश नहीं किया, जो स्टार्ट किया है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है. और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कल की जो आपकी स्पेशल क्लास थी, वो स्पेशल क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए बेस्ड ऑन दी लेक्चर, मतलब बेस्ड ऑन दी लेक्चर. स्टिल मैं आपको बताती हूँ, अभी ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारे लेक्चर जितना कराया उस पर सब पे न्यूमेरिकल्स करा दिया है. आइडियल नॉन आइडियल वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ डेविएशन जहां तक आता है, वहां तक जितने भी आपके यू नो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने डिस्कस किए. एंड आई होप आपने कल के सेशन में पार्टिसिपेट किया था, कल की स्पेशल क्लास में. एंड इन केस यू मिस्ड इट, प्लीज वॉच इट रिकॉर्डेड. और वो सारे के सारे क्वेश्चंस खुद आपने अटेम्प्ट कर देखना है, तब भी आपकी इस टॉपिक पर कमांड बन पाएगी, ठीक है. एंड इसी तरीके से वील हैव मोर प्रैक्टिस सेशंस जिसके हेल्प से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर जो है, यहां से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. इसी के साथ गुड आफ्टरनून, हाय, हाउ आर यू ऑल. आई नीड टू सी दैट जोश हियर कि यार आज चैप्टर फिनिश हो रहा है हमारा, तो ऐसा वाला जोश मेरे को इधर दिखाई देना चाहिए. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेंटॉफ फैक्टर. देखो यार, वेंटॉफ फैक्टर एक्चुअली क्या है, सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है, व्हाट इज दिस वेंटॉफ फैक्टर, है ना. बट एक्चुअली यहीं से आपको सॉल्यूशंस में एक्चुअली में क्या होता है, यू नो रियलिटी में क्या सीन होता है, वो वाली पिक्चर यहां से क्लियर होती है. क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सब ऐसा बुक्स में लिखा हुआ या फिर जो हमने यू नो अज्यूम किया, थियोरेटिकल है. लेकिन एक्चुअली रियल सॉल्यूशंस के साथ क्या सीन निकल कर आता है, वो आपको ये वेंटॉफ फैक्टर पढ़ने के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है. दिस इज वेरी वेरी इजी. ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. और उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, आई विल टेक अप दिस क्योंकि इसको कई बार बच्चे ऐसा छोड़कर चले जाते हैं और ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. और साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बहुत ही, और आप इजीली आंसर कर डालोगे उसका. लेकिन आपको राइट अप्रोच पता होना चाहिए, यू शुड नो द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस. और इसी के साथ साथ हेनरीज लॉ हमारा रहता है और हेनरीज लॉ की ऐसा थोड़ी बहुत कुछ एप्लीकेशन है यार, तो वो हम लोग आज के जो सेशन है आपका उसमें डिस्कस कर लेंगे, राइट. इसी के साथ साथ ये आपका जो एनविजन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2nd of February. तो यार ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला है. साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आई विल बी स्टार्टिंग विद क्लास 11th. पहले बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू एडवांस लेवल तक, क्योंकि ये आपका टारगेट नीट 23 बैच है. तो 23 के लिए बिल्कुल जीरो से पहले स्टार्टिंग होगा क्लास 11th. हमेशा आप यही चाहते हैं कि आप एक ऐसे बैच को ज्वाइन करें जहां पर बिल्कुल शुरुआत से सारी चीज फिनिश हो जाए, है ना. क्योंकि आपका क्वेश्चन हमेशा ये रहता है, मैम स्टार्टिंग से होगा पूरा होगा? तो यार स्टार्टिंग से होगा पूरा होगा. बहुत सारे डीपीपीज, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स और उसके हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे. साथ ही साथ आप लोग ऑफकोर्स डाउट्स वगैरह ऑडियो कॉल पर हमसे पूछ ही सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास. यार मेरी क्लास जो है 7 PM रहने वाली है. पहला चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि वहीं से आपका फाउंडेशन बनता है, राइट. इसी के साथ साथ अब भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है. सो यू हैव दिस, यू हैव दिस मौका जहाँ पर आज के लिए, दिस आज टुडे एक्चुअली इज द लास्ट डे, क्योंकि 31st January के लिए आपका ये ऑफर था, जहां पर आपको सभी के सभी सब्सक्रिप्शन पर अक्रॉस एन अकेडमी, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो यार प्लस आइकॉनिक, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा. ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड AKA LIVE जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बस हो जाएगा. फिर ऐसे देख लो यार, आप यहाँ पर वीडियो पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो कि कैसे आपको यू नो कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट वर्थ, क्योंकि इसी के बाद आपका जो है प्राइस हाइक भी होने वाला है फ्रॉम 1st February, यानी यार कल से. और आप देख पा रहे हैं, आई होप आप सबको क्लियर है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस. आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप पॉसिबल हो पाता है, आपको चाहिए कि टीचर आपको एकदम पर्सनल अटेंशन दे, आप एक सेपरेट स्लॉट में उनसे बात कर पाए और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचा और भी बहुत कुछ, देन यू शुड गो विद आइकॉनिक. सेम ही है और बाकी जैसे मैंने आपको बताया यार, देखो प्राइस हाइक होने वाला है कल से, तो आज मौका भी है अब बढ़िया वाला. अब बैच भी स्टार्ट हो रहा है 2nd February से, केवल एनविजन बैच नहीं और भी बहुत सारे आपके अमेजिंग से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. तो यार उससे पहले आप लोग को एनरोल करा लेना चाहिए, ठीक है, सो दैट
इसी के साथ साथ दिस इज ऑल अबाउट मी. आई एम आकांक्षा. आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ डेली वेर आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप फॉर माई टॉपर स्कोर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. एट द सेम टाइम आप मेरे साथ YouTube पर 1:30 PM यहाँ पर अनअकैडमी पर YouTube पर 1:30 PM स्पेशल क्लासेस हम लेते हैं 3 PM और 8 PM और इसी के साथ साथ स्पेशल क्लासेस देखो यार फ्री क्लासेस होती है. ठीक है, तो आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, लिंक पर जाना है और मेरी क्लासेस में एंट्री मार लेनी है और फिर पढ़ाई करनी है. ठीक है, इसी के साथ साथ प्लस एंड आइकॉनिक द टू प्लेटफॉर्म्स दैट आई जस्ट डिस्कस्ड, वहां तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो ही सकते हैं. इसी के साथ साथ जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हो तो वहां पर लिखा है सब्सक्राइब हियर, तो यार वो जहां पर लिखा है उस पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज जहां प्लस और आइकॉनिक दोनों ही आपको दिखाई देगा. जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं वहां पर आप ड्यूरेशन अपना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक ये कोड वाला कॉलम आता है. अब आप सब समझ चुके हैं कि वहां पर आपने क्या डालना है, AKA लाइव, क्योंकि ये कोड डालने से आप जितने भी बैचेस हैं अनअकैडमी पर उन सारे के सारे एडुकेटर्स का सारा कॉन्टेंट अनलॉक कर लेते हो. मेरी तो क्लास दिखी जाएगी, एनविजन बैच तो आ ही जाएगा आपके सामने, बाकी भी जितने भी बैच चल रहे हैं सब अनलॉक हो जाएंगे पूरे अनअकैडमी में. जितने टीचर्स पढ़ाते हैं किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो. ओए होए, शुरू करें, शुरू करें, किसका नाम लेकर शुरू करें? बाय द वे जिसे कहते हैं ना शुरू करें लेकर किसका नाम. ओके परफेक्ट है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पता है किसी को कुछ पता बता है? तुम लोग ऐसे इतने इंटेलिजेंट टाइप लगते तो हो यार, मेरे को कुछ तो आइडिया होगा तुम लोग को कि क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. मेरे को लगता है तुम्हें पता होगा, इतने बुद्धू टाइप लगते नहीं मेरे को तुम, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा अपना ही नाम ले रहे हो, वाह यार. देखो आप लोगों ने शायद उसमें पढ़ा होगा जो आपका ये है बायोलॉजी में, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में जब हम ह्यूमन ब्लड सेल्स की बात करते हैं वहां पर काफी बार इसको डिस्कस किया जाता है. सी हम लोगों ने अभी अभी आपकी लास्ट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की एंड दैट वॉज पाई इज इक्वल टू CRT. ठीक है, क्या थी? पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना? तो यार देखो यहां पर आपके पास अगर ऐसा हो जाए कि आपके दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम आ जाए, क्या हो जाए कि दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम हो अगर, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं कि यार ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन रहा है. कैसा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. समझ रहे हो कि आपके पास एक इस तरीके से दो सॉल्यूशंस हैं और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम टू सेम हो जाए तो क्या बनेगा? हम उसको कहेंगे कि यार ये आइसोटोनिक है, दैट मीन्स इट हैज दी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो दो का अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं. अब इसके साथ साथ यार देखो क्या सीन होता है, मतलब कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT होता है. यहां पर आपके पास ये जो आपका R है, R बोले तो व्हाट, गैस कांस्टेंट होता है, ये तो बेचारा दुनिया में हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, बदलना बदलना इससे है नहीं. ऐसे ही आपका टेम्परेचर, आप जिस भी टेम्परेचर पर अपनी रिएक्शन कर रहे हो वो आपका एक फिक्स टेम्परेचर हो गया. तो यहां पर जब सब कुछ फिक्स्ड ही है, मतलब आपका R तो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो फिक्स्ड ही होता है. टेम्परेचर अगर आपका फिक्स्ड है तो क्या बदलने वाला है? दी कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज, है ना? तो यहां पर आपका जो वेरी करेगा दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यार मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता है. ठीक है, तो जब आप ये कह रहे हो कि आपके दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आप ये भी कह सकते हो कि यार जब मेरे दो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए? जब दो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है देन दे बिकम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि जब दो सॉल्यूशंस का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तब उनको क्या बोलते हैं? हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. या फिर आप ये भी बोल सकते हो जब सेम कॉन्सेंट्रेशंस हो जाए, दोनों की क्या हो जाए? सेम कॉन्सेंट्रेशंस हो जाए तो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे. ठीक है, अब यार किसी एक की इतनी बात सबको समझ में आई, इसमें यार कुछ मुश्किल है नहीं, ये तो बड़ी आसान बात है ना? Have you understood this? ऐसा पूछ ले तो आइसोटोनिक क्या होता है बता दोगे. उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोटोनिक. अगर by chance किसी एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है दूसरे की कंपैरिजन में, ठीक है, या फिर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एज कंपेयर टू दी अदर वन, राइट? अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो कम है तो यार अगर जिसका कम है, जिसका कम है उसको हम बोलते हैं कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वी कॉल इट
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जहां पर जिस सॉल्यूशन का, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, द सॉल्यूशन जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भाई कम है, उसको हम क्या बोलते हैं यार, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके आगे लास्ट होता है हाइपर। देखो यार, हाइपर किसी को कब बोलते हैं यार, ये तो बहुत हाइपर है, मतलब जब कोई एकदम ऐसा एकदम यू नो थोड़ा ज्यादा सही है ना, थोड़ा ज्यादा टाइप, मोर टाइप। तो यहां पर वही, अगर किसी की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको आप क्या बोल देते हो, हाइपरटोनिक बोल देते हैं, वी कॉल इट हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो मोर वाले केस में क्या आ जाता है, हाइपरटोनिक आ जाता है। कह दो आप, बिल्कुल ही सिंपल, एकदम क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आइसो, आइसो वैसे भी क्या होता है, सेम आइडेंटिकल। तो आइसो में जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम, हाइपो में जब जिसका कम है तो उसको हाइपोटोनिक बोलिए, और हाइपर में जिसका ज्यादा है तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलिए। इतनी बात सबको क्लियर, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या ओह माय गॉड टाइप का सीन, इसमें तो यार कुछ ऐसा है नहीं, बड़ा ही सिंपल जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास देखो इसी का एप्लीकेशन आता है। अब आपको एग्जामिनर, बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछे, हालांकि आ सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आंसर विल बी हाइपोटोनिक, है ना। लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा उठकर आ जाता है। बोर्ड में भी काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यार हमारा जो ह्यूमन ब्लड सेल होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड सेल, ब्लड सेल है ना, ये तो सबको पता होगा। तो यार ये जो है ना, इट इज आइसोटोनिक विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। मतलब समझ रहे हो तुम थोड़ा थोड़ा, यानी कि अगर ये दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब जब आपका NaCl 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली हमारा ह्यूमन ब्लड सेल के इक्वल होता है। तो आपको ये फिगर थोड़ा ध्यान होना चाहिए, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। समझ रहे हो कि यहां पर आपका जो ह्यूमन ब्लड सेल होता है, अगर आपका 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक बोले तो इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम, और कॉन्सेंट्रेशन सेम तो आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। कह दो यस, है ना, बोलो यार, इतनी बात क्लियर, राइट है। तो देखो अगर आपके पास इस तरीके से ये आपके पास ऐसा केस आ जाए, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया हुआ है, वी हैव दीज थ्री केसेस हियर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वी हैव दीज थ्री केसेस हियर। तो यार ये तीन केसेस में आप एक चीज देखने की कोशिश करो, ये जो हमारा सबसे पहले मैं इसको कंसिडर कर रही हूं, ये जो हमारा बीच वाला है, इसमें क्या सीन है, यहां पर ये जो सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू तुम लोग को दिख रहा है ना, पता है वो क्या है, यहां पर ये जो आपका सॉल्यूशन डाला हुआ है, कुछ नहीं यार, ये 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, ये बीच वाला जो आपका कंटेनर है इसमें। फिर इसमें तुमने अपना ऐसा ब्लड सेल निकालकर डाल दिया, ठीक है, अपने ही डाल देना, किसी और का क्यों डालना। तो यार हमने अपना जो है इसके अंदर अपना रेड ब्लड सेल, ऐसा गोलू मोलू सा, स्वीट स्वीट जैसे ही दिख रहा है, ऐसा इसके अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, कुछ नहीं होना, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई जो जिस सॉल्यूशन में आपने अपने रेड ब्लड सेल को डाला है वो आइसोटोनिक है, किसके साथ, विद दी आरबीसीज। यहां पर आपके जो ये आरबीसीज हैं, इनकी भी तो कॉन्सेंट्रेशन ये इसके साथ आइसोटोनिक होती है ना। तो यार देखो यहां पर क्या सीन है कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगी तो कोई मूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर से पानी बाहर आ रहा है या सेल के अंदर पानी भर रहा है ना। ऐसा कब होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान, जहां पर देयर इज दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जहां कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, या है ही नहीं, या दोनों की, इसकी भी और इसकी भी सेम ही कंसंट्रेशन है, तो किसी को भी अंदर बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। कोई भी यहां पर देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर चलेगा और सेल स्वेल अप हो गया, ऐसा भी हम पढ़ते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल आपका सेल के बाहर चला गया तो सेल आपका श्रिंक हो गया। ये दो केस आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो अब भी हम पढ़ेंगे। लेकिन वैसा क्यों होता है, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा कि पानी अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो एक्चुअली वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने कल ही पढ़ा है, क्या होता है कि जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं,
है ना। अब देखो यार, यहां पर भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की उतनी कॉन्सेंट्रेशन है, इधर भी, तो अंदर बाहर का कोई सीन ही नहीं होगा। तो यहां पर कोई चक्कर नहीं, बेचारा आपका जैसा था, एकदम जैसे तुमने डाला था ओरिजिनल, उसका वैसा का वैसा रहने वाला है रेड ब्लड सेल। बोला यार इतनी बात में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। ये वाले केस में जब आपने एग्जैक्टली इतना ही आपने जो है NaCl लिया है। अब यार देखो, अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ नेक्स्ट केस में, व्हाट इफ यहाँ पर ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यार मैंने 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा बना दी। ओए होए, अब ज्यादा बना दी तो क्या होगा यार, बता दो प्लीज। ज्यादा ज्यादा बना दिया मैंने, ज्यादा मोर वाला सीन है इधर। ये देखो, मैंने इसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा बना दिया। अब इसके अंदर तुमने ऐसा इसी सेम, अब तुम्हारा रेड ब्लड सेल सेम ही साइज का होगा। तो यार तुमने ये देखो, ये RBC डाला था आपने यहाँ पर, ये आपने रेड ब्लड सेल डाला इसके अंदर। इसके अंदर रेड ब्लड सेल डालने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो RBC है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग, और आपका ये जो NaCl सोल्यूशन है इसमें अब आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यार जो आपका ये सेल है, मेरे को एक बात बताओगे सोचकर अभी के अभी, कि ये वाले केस में जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है यहां पर, मेरे को एक बात बताओ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी पानी किधर ज्यादा है, NaCl सॉल्यूशन में या रेड ब्लड सेल में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, जल्दी से बता देंगे। देखते हैं यार कौन है ऐसा थोड़ा सा इंटेलिजेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस में काम चल जाएगा, एंड यू कैन आंसर मी द राइट वन। लेट्स सी कोई दे पाता है क्या। इसी के साथ यार, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं और ऐसा देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है, तो पिटाई होगी तुम्हारी, तुम फटाफट सेशन को सब लोग लाइक करेंगे, सो दैट आई कैन रीच मोर एंड मोर ऑफ यू। ओए होए, क्या कह रहे हो यार, सेल में RBC NaCl वाले, तो तुम तो NaCl जो कह रहे हैं ना, मतलब यार आय हाय ऐसे कह रहे हो NaCl, कोई कह रहा है, वैसे सारे नहीं कह रहे, सारे तो मेरे को ज्यादातर RBC वाले लग रहे हैं। देखो RBC वाले तो बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे यार इधर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है भाई, कैसे बनता है आपके पास कोई सॉल्यूशन, ये कैसे बना होगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl कैसे बना है, जिसमें आपने 0.9 ग्राम NaCl डाला होगा, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपने पूरा सॉल्यूशन 100 ml का बनाया होगा। तो यार इस वाले केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, इसका मतलब यहाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, इसका मतलब क्या, NaCl नमक ज्यादा होगा इसमें, पानी कम हो गया होगा, ठीक है। तो जब आप RBC और इसके अंदर कंपेयर करोगे, तो RBC इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। तो यहां पर क्योंकि आपका वाटर ज्यादा है इन RBCs, तो यार यहां से आपका पानी बाहर निकलेगा, किधर जाएगा, सॉल्यूशन में। तो RBCs से जब वाटर फ्लो आउट करेगा, क्योंकि RBCs में क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज वॉट, ऑस्मोसिस, राइट। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सेल श्रिंक कर जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में, या कई बार वो आपको हाइपरटोनिक वो नहीं कुछ लिख के नहीं देंगे, वो सिंपल आपसे पूछेंगे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो बताओ सेल का क्या सीन होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, या उसके साथ कुछ नहीं होगा, या आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर विल बी श्रिंक हो जाएगा यार, श्रिंक, तुम्हारा जो सेल है ऐसा पिचक जाएगा, सही है, इतनी बात बता देंगे सब लोग की नहीं, सब बता पाओगे यार, सेल श्रिंक हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर आया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इफ अगर आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, इससे कम है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम, क्या आपने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला हुआ है, ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये सॉल्यूशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम है। अब यार कम है तो क्या होगा, कम है तो फिर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नमक कम है यार, NaCl कम है, सॉल्ट कम है, तो भाई सॉल्ट कम है तो पानी ज्यादा होगा, है ना, तो इसके अंदर वाटर ज्यादा हो गया। तो आपका जो ये RBCs है, RBCs के अंदर वाटर इज व्हाट,
वॉटर इज कम एज कंपेयर टू दिस, ये जो है भाई तुम्हारा ये वाला सोल्यूशन। तो अभी अगेन वॉटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि नेचर क्या चाहता है, ऑस्मोसिस है ना, और ऑस्मोसिस क्या होता है कि पानी हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा यार। तो फिर इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन किधर है, इसमें NaCl, ये सोल्यूशन के अंदर है। तो देखो सोल्यूशन के अंदर से पानी आपका ऐसा चला जाएगा किसके, RBCs के अंदर। और अगर ऐसा पानी आपका RBCs के अंदर चला जाएगा तो ऐसा गोलू मलू एकदम ऐसा फूल जाएगा तुम्हारा रेड ब्लड सेल, है ना यार, तो स्वेल अप हो जाता है। क्या हो जाता है, इट विल बी स्वेल्ड। तो यहां पर आपके पास क्या आंसर आता है, दैट आपका जो सेल है वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, आपके जो RBCs हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो ऐसा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए सब लोग कर डालेंगे उसको, कह दो यार यस कह दो, है ना। तो यहां पर सॉल्यूशन कौन सा बना, हाइपोटोनिक, क्योंकि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। और रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, कि आपका रेड ब्लड सेल ऐसा गोलूमोल हो गया, ठीक है, बस यार इतना ही होता है। क्या होगा मेरे साथ बोलिए, आइसोटोनिक में द सेल विल रिमेन एज इट इज, कुछ नहीं होने वाला है। और जो आपका ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सेल श्रिंक हो जाएगा। और आपका जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपका जो सेल है वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, राइट है, इतनी बात। आई होप दीज थ्री केसेस आर क्लियर, क्योंकि इसके अंदर बस यही पढ़ना था और कुछ था ही नहीं, हो गया यार। ये जो पहली वाली बात थी ना, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, डन, वी आर ऑल डन विद दिस। तो ये तो हो गया हमारा डन 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 डन, है ना, मजा आया इसको पढ़ने में, भूलेगा तो नहीं कोई आज की क्लास देखने के बाद इसको। तो यही लिखा है यार, देखो सेम टू सेम बात यहां पर दूसरे तरीके से दिखाई गई है कि आइसोटोनिक के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, पानी अंदर बाहर सेम टू सेम। अब इसके अंदर क्या है, वाटर अंदर ज्यादा हो जाता है हाइपोटोनिक के केस में, और इसमें वाटर बाहर ज्यादा जाता है हाइपरटोनिक के केस में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहां से होती है आज की क्लास की मेन कहानी की शुरुआत, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यार उसका नाम बेचारे का क्या रखा, एबनॉर्मल, मतलब उसको नॉर्मल नहीं कहना चाह रहे ये लोग, है ना, बट एक्चुअली यहाँ ये जो एबनॉर्मल है ना, यही सही होता है, ठीक है, एबनॉर्मली बेचारा नॉर्मल होता है इधर। कैसे, क्योंकि अभी तक जितनी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है या जो भी हमने पढ़ा है, वो जब हम एक्चुअली सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई कर देखते हैं, है ना, मतलब जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं फिर उसके ऊपर वो जो तुमने ये सारे फॉर्मूला पढ़े ना कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, या फिर आर एल वी पी के लिए डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट, ये जितना जो भी आपने एक्स वाई जेड पढ़ा है वो सब जब तुम अप्लाई करते हो तो रियलिटी कुछ और नजर आती है, ठीक है, मतलब जो रियल पिक्चर है जब सॉल्यूशंस के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो कुछ और निकल कर आता है। वो कुछ और कौन जस्टिफाई करता है, दी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वैंटॉफ फैक्टर का, ठीक है, जिसको आप वैंटॉफ फैक्टर को ऐसा स्मॉल आई से डिनोट करते हो। तो अब जो है पूरी शांति से, अब पूरे ऐसा डेडिकेशन के साथ देखेंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है, राइट है, इतनी बात क्लियर, ऑल सेट टू स्टार्ट विद दिस। बोलो यार हाउस द जोश, देखो हाउस द जोश इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, तो यार लास्ट लेक्चर में थोड़ा जोश दिखा दो, कल से एक न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगा आपका, न्यू नया नया, तो कल फिर अलग टाइप का जोश होना चाहिए। अब भी चाह रहा है ये एंड हो रहा है तो भी जोश दिखा देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। चलो सी, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो यार क्या सीन है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 मोल NaCl है। क्या है यार, 1 मोल NaCl है। अब पता है सीन क्या हुआ, इसके अंदर मान लो मैंने ना 1 kg सॉल्वेंट ले लिया, बोले तो वाटर, ओके मैम। अब तो मेरे को एक बात बताओ यार, अगर 1 मोल NaCl है और 1 kg वाटर है, इस सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी, क्या हो गए, चलो ठीक है बताओ इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी। अरे यार हो जाएगी यार, NCERT रीडिंग उसमें कर लेंगे स्पेशल क्लास में, चिल किया करो थोड़ा सा, इतना टेंशन क्यों लेते हो भाई, तुम्हारा मतलब इतना सोचते क्यों तुम लोग, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। सब हो जाएगा, सब करा तो रहे हैं, अब तक सभी हो रहा है, कितना होगा जल्दी से बता दो, व्हाट विल बी द मोलालिटी। एकदम सिंपल है यार, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 मोलर है तो
यार ये इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, तो ये तो मोलैरिटी तो आपकी वन ही निकल कर आनी है ना। अब मैं आपसे पूछूं यार, मेरे को ये बता दो डेल्टा टीबी कितना होगा, इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा अगर आपका जो केबी है यानी कि बालियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वो 0.5 है। समझ रहे हो इतनी बात कि यार मेरे को ये बताओ कि डेल्टा टीबी कितना आएगा। तो आप कहोगे तो यार बहुत ही सिंपल, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम होता है मैम। आप फिर देखो केबी आप कह रही हो 0.5 है और मोलालिटी मैम 1 है, हमने कर देख लिया तो ये हमारा 0.5 आ गया। डेल्टा टीबी शुड बी इक्वल टू 0.5, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहोगे यार, नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा वैसा दुनिया से अलग झटका वटका टाइप का कोई सीन तो हुआ नहीं है ना, बेचारा सिंपल जैसा हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा डेल्टा टीबी आ गया। अब लेकिन ऐसा आंसर आता ही नहीं जब हमने करके देखा तो ये तो निकल कर नहीं आया 0.5 नहीं आया आंसर, आंसर निकल कर आता है 1। यानी ये तो हमने नोटबुक में किया है ना, ये तो हमने कैलकुलेशन किया अपना ऐसा पेपर में, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारा ये निकल कर आया आफ्टर कैलकुलेटिंग नॉर्मली जैसा हम करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई वो पता है कितनी आई, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई कि डेल्टा टीबीआर कितना है, 1 है। ओए होए ये कैसे हुआ होगा, सोचो यार थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है ना कि आपका जो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड है दैट इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट एज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट। इसके पीछे क्या रीजन है उसको ध्यान से समझो। अभी पता है क्या होता है, सीन क्या हुआ यहाँ पर यार, ये जब तुम्हारा ये NaCl इसके अंदर तुमने डाला है ना पानी के अंदर, तो यार NaCl वाटर में डालने के बाद NaCl तो रहता ही नहीं, बताओ यार क्या बन जाता है NaCl का। NaCl जो आपका होता है दैट इज वॉट, इलेक्ट्रोलाइट है यार, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। और उसको पानी में जब डालते हैं तो वो NaCl तो रहता ही नहीं, वो तो क्या बन जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। तो ये NaCl हमें लग रहा था कि यार इसके अंदर हमने डाला मिक्स हो गया बन गया है ना, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये NaCl अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल है, हमें क्या लग रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर पानी है और NaCl है और तो कुछ है नहीं, तो NaCl हम एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज कि सॉल्यूशन के अंदर पानी है और दो पार्टिकल्स हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। सॉल्यूशन के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया NaCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और 100% डिसोसिएट करता है, मतलब कि पानी में डालोगे तो NaCl बचेगा ही नहीं, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट चुका होगा और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस ऐसा आपके पानी में हो जाएंगे। तो यार यहां पर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जब हम मोलालिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोलालिटी तो हम एक ही पार्टिकल की फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एक्चुअली यहां पर दो पार्टिकल्स हैं। क्या होगा ये भी, अगर ये मान लो 1 molar आ रहा है, ठीक है, तो यार ये भी आपका इतना ही होगा, 1 molar इसकी कॉन्सेंट्रेशन और 1 molar इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 into 2 दैट मीन्स आपकी जो मोलालिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 molar हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम NaCl को एक मानकर चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 molar आ रहा है, राइट। लेकिन है ही नहीं NaCl, तो आपका बचा ही नहीं पानी में जाने के बाद, क्या बचा है आपके पास, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वी हैव 2 particles, और जबकि हम उसको एक ही तरह कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर क्या होगा, जब आप अपनी दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे इनको दो कंसिडर कर आफ्टर डिसोसिएशन कंसिडर कर, तो डेल्टा टीबी देखो यार कितना आएगा तुम्हारा, केबी तो 0.5 ही है और मोलालिटी अब आपको क्या लेनी है, 2 molar लेनी है, तो अब आपके पास कितना आएगा, 1, विच इज राइट, यही आपका अब आपका एक्सपेरिमेंटल भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपकी वैल्यू किससे मैच हो रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हो रही है, राइट। तो ये जो आपका हुआ है ये क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हो आप। यहां पर यार ये वाला जो था डायरेक्ट जब मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो मेरे पास यहां से जो आंसर आया, बिकॉज डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है, तो ये तो नॉर्मल कर दिया मैंने, तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये थी, पर बात तो बनी नहीं, आंसर तो कुछ और आता है। तो यहां पर
आपके पास आंसर एक्चुअली ऐसे आता है, और यहां पर हम क्या मिस कर रहे थे वो आई होप आपको समझ में आया। तो यार इसको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ के चक्कर में हमारा बेचारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से एबनॉर्मल हो चुका है। ठीक है, कुछ 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 हुआ, क्या हुआ, कुछ कुछ क्या है वो डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के चक्कर में हमारी बेचारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एबनॉर्मल बोलना पड़ा हमें, राइट right? तो ऐसा हो गया यार। अभी देखो इधर लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इसको देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या निकल कर आया कि डेल्टा टीबी वन है। क्यों? क्योंकि यार हमारा जो NaCl है वो डिसोसिएट हो रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अगर ये वन मोलर है तो इन दोनों का भी आपको कॉन्सेंट्रेशन इतना ही लेना पड़ेगा, और फिर जो आपकी मोलैलिटी है, मोलैलिटी स्मॉल m से जिसको डिनोट करते हैं, दैट विल बिकम इक्वल टू 2, राइट है। और फिर डेल्टा टीबी आपका जो ऑब्जर्व होगा वो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कह दो यार कि यस मैम, है ना, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? जल्दी से बताओ यार, ये पहली पहली बात हुई हमारी एबनॉर्मल और नॉर्मल के बारे में और कुछ कुछ होता है के बारे में। तो आपको कुछ कुछ पता भी चला या ऐसे ही कुछ कुछ होता में ही खो गए हो तुम लोग? ये बता दो मेरे को, कहीं बस मैंने बोला कुछ कुछ होता है और इनका ऐसे इनको गाना ध्यान आ गया, कुछ कुछ होता है ना, बस उसी में तुम्हारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन, पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, बस तुम्हारे साथ यही तो नहीं चलता जा रहा? ये समझ में आया जो मैं बताना चाह रही हूँ, या तुम कुछ कुछ होता में रह गए? ये बता दो बस। है ना, अरे मैम बस पूछो मत, आप ऐसी बात मत पूछो करो मैम। चलो आगे आ जाओ। अभी देखो यार इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है इधर, हाँ सी, होता क्या है कि आपके पास अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए, है ना, अगर आपके पास नॉर्मल चीजें चल रही हैं और उसके बीच में कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, समझते हो ना डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन यही जो अभी आप देखकर आया कि NaCl था वो बेचारा टूट गया इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर कहीं एसोसिएशन हो जाए। देखो डिसोसिएशन का एग्जांपल तो ये हो गया, अगर आपको मैं डिसोसिएशन बताऊं कि कोई एक रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर डिसोसिएशन हो गया, तो इसका एग्जांपल है जैसे NaCl है, उसको बेचारे को पानी में डाला तो टूट गया अपने आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही एसोसिएशन भी होता है। एसोसिएशन जिसको नहीं पता है कैसे होता है यार, जैसे मान लो आपके पास क्या होते हैं, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ले लो यार, दो एसिटिक एसिड के आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पता है आपस में डाइमराइज कर जाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं CH3COOH होल ट्वाइस, पता है आपको, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में वो आपस में ऐसा मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो दो से शुरू हुआ और एक मॉलिक्यूल आपका इधर बन जाता है। इतनी बात क्लियर? कह दो यार इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपके पास कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअली आ रही होगी दैट विल बी डिफरेंट। नॉर्मली जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वन विच इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, और यही जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहले तो हमने जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यार तुमको ये पता चला ये एबनॉर्मल क्यों कह रहे हैं इसको? जल्दी से बताओ जिसको पता चला है कि यार ये एबनॉर्मल क्यों हो रहा है, सबको ये बात समझ में आई है क्या? कह दो यार कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, क्यों कह रहे हैं एबनॉर्मल इसको, नॉर्मल क्यों नहीं है ये आपको समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वेरी गुड, परफेक्ट है, बहुत अच्छे यार। और कंजूसी चल रही है, आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ वैंटॉफ फैक्टर हमारे पास निकल कर आता है, राइट। वैंटॉफ फैक्टर आपके पास यहीं से निकल कर आएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां आपके पास आई है वहीं से वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैंटॉफ फैक्टर। वैंटॉफ फैक्टर को आप ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो, और दूसरी बात इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके से, बट एक्चुअली कहां से इसकी शुरुआत होती है, द फर्स्ट वे इज कि आप जो है एबनॉर्मल या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी आ रही है उसको आप नॉर्मल या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या है कि यार तुमने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है ना,
एबनॉर्मल क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, जैसे पीछे वाले केस में एबनॉर्मल क्या था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो आपका डेल्टा टीबी आया था वो कितना आया था एनएसीएल वाले केस में 1, और आपका नॉर्मली कितना आ रहा था, नॉर्मल जो आपका आ रहा था डेल्टा टीबी, यानी कि जब हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे दैट वाज कमिंग आउट टू बी 0.5. तो आप क्या करिए, एबनॉर्मल को नॉर्मल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा भाई, 1/0.5 आएगा कि नहीं, तो यहां पर आपके पास ये 10/5 विच विल बी अराउंड 2, आपके पास ये कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा. तो वेंट ऑफ फैक्टर वो वाले केस में कितना निकल कर आया है, वेंट ऑफ फैक्टर इन दैट केस इज 2, राइट. अब देखो ये कितना आसान हो जाता है मेरे को, अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरे मतलब कि यहां पर ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, ठीक है, राइट. अब इसमें देखो, अब मेरे पास आई है, अगर मेरे को पता है कि आई आर टू है, और मोलालिटी को अगर मैं सिंपल 1 भी ले लेती हूँ कि एनएसीएल की मोलालिटी 1 होती है, ये आया आपके पास 2 आ गया, ये 0.5 था, दिस वाज 1, तो देखो मेरा डेल्टा टीबी 1 ही निकल कर आएगा. यानी अब अगर मैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी जो ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जिसको आप एबनॉर्मल बोल रहे थे, ठीक है. अभी आगे 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 जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको और पूरी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी इसके बारे में. कुछ आपके ऐसे भी सॉल्यूट्स होते हैं जो पॉलीमराइज हो जाते हैं, है ना, जैसे ये NaCl था यार, ये तो बेचारा टूट जाता है. कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में इकट्ठे होकर एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं, जैसे कि कौन, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है. देखो एसिटिक एसिड का मैंने आपको सीन पहले भी समझाया, बट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू दैट अगेन. एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसका यार तुमने दो मॉलिक्यूल्स लिया है, आप पता है क्या सीन होगा इधर, ये आपके आपस में डाइमराइज कर जाएंगे, किस तरीके से, CH3COOH और यहां पर एक और मॉलिक्यूल है इस तरीके से इसी का CH3. देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल एक की तरह बिहेव करने लगता है. इधर साइड अगर मेरे से कोई पूछेगा रिएक्टेंट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो मैं कहूंगी यार रिएक्टेंट में 2 पार्टिकल हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट बनाया उसमें वो 2 का 1 बन चुका है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन, ये डाइमर यू नो फॉर्म हो गया है. जब आपका 2 यूनिट्स यूज होती हैं तो उसको हम डाइमर बोलते हैं, ठीक है. इसके अंदर 2 यूनिट्स आपकी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, सो दैट इज हाउ वी कॉल दिस डाइमर, राइट. और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और ऐसा लिख कर भी देते हैं कि आपका जो यू नो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है, एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास होता है 60, एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास होता है 60, पर सॉल्यूशन के अंदर जब कैलकुलेट करते हैं तो 120 निकल कर आता है. समझ रहे हो मेरी बात, कि आपका एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास यार 60 होता है, पर सॉल्यूशन के अंदर 120 निकल कर आता है. वो सॉल्यूशन के अंदर 120 क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि एसिटिक एसिड अब अकेला नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो किसके फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डाइमेरिक फॉर्म की वजह से उसका मास क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है. इतनी बात सबको क्लियर है ना. आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है. इसी तरीके से यार बेंजोइक एसिड आपका डाइमराइज कर जाता है बेंजीन में. एसिटिक एसिड के लिए सॉल्वेंट पानी और चलेगा, वो उधर डाइमराइज कर जाएगा. बेंजोइक एसिड भी डिटो यार, बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH, है ना. तो बस वहां पर मिथाइल की जगह आप ये फिनाइल ग्रुप लगा दो एसिटिक एसिड में, सेम टू सेम कहानी बेंजोइक एसिड के साथ हो जाती है. कह दो यार यस, है ना, सबको समझ में आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, हाँ अभी देखो ये जो मोलर मास की मैंने बात की, कि यार नॉर्मल मोलर मास तो एसिटिक एसिड का इतना होता है, पर सॉल्यूशन में होने के बाद उसका मोलर मास 120 निकल कर आ रहा है, तो ये इसका नॉर्मल मोलर मास नहीं है. दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा कि यार एसिटिक एसिड का मास 120 होता है, नहीं, एसिटिक एसिड का मोलर मास यू नो 60, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन में निकल कर तो आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास. व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एबनॉर्मल मोलर मास. तो यहां से आई होप आपको एक नई बात ये पता चली है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है. आपकी जितनी एनसीआर
NCERTs हैं, NCERTs में यार लिखा हुआ है NCERT, एक ही है बेचारा सॉल्यूशन तो एक ही चैप्टर में दिया हुआ है ना, तो उसमें लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। मेरे को जल्दी से बताएंगे कि सबको क्लियर है, मतलब कोई भी मेरी क्लास में ऐसा अभी होना नहीं चाहिए जिसको नहीं पता है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। इतनी बात सबको क्लियर, तो यार फिर मेरे को इधर थम्स अप चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। I need to see a big thumbs up here if you are all clear with these three terms, normal colligative property, normal abnormal colligative property, normal molar mass and abnormal molar mass. Are you all clear with this much? है ना? बहुत अच्छे, very good. हाँ ऐसे यार पता लग तो लगना चाहिए कि क्लियर है तुम लोग को, है ना, तभी तो मजा आता है। very good. And in case you have a doubt, फिर भी कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि यार ये वो वगैरह वगैरह टाइप का कोई सीन है तुम्हारे साथ, है ना, तो आप लोग या एक दो बच्चे इसमें मुझे दिख रहा है जो लिखा है किसी ने कि ये मैम एक बार और या ऐसा कुछ, तो यार स्पेशल क्लास में आप आकर पूछ सकते हो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी नाउ इट इज गुड। एबनॉर्मल मोलर मास की हम बात करते हैं। सी एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, आपके पास कोई भी जो सब्सटेंस है अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है जब आपका वो एक्सपेक्टेड से अलग आ रहा है तो उसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास कह देते हैं। यार अरे यार एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कैलकुलेट करने से जो आना चाहिए उससे कुछ अलग आता है अगर एक्सपेरिमेंटली, तो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसा ही आइडियली जो मोलर मास किसी सब्सटेंस का आना चाहिए अगर उससे अलग आ रहा है एक्सपेरिमेंटली करने पर, वो एबनॉर्मल मोलर मास होता है। हाय ये तो यार बड़ी सिंपल सी बात हो गई, है ना, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो यहां पर इसको देखकर ऐसे मत हो जाना ओ माई गॉड इसमें ये भी होता है क्या, ओए होए हमें लगा ये मैथ वैथ का टाइप सीन नहीं होगा इसके अंदर, पर यार ये बहुत सिंपल है, ये आप सब पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ ही लिखा है, एक भी बात नहीं लिखी इधर, तो तुम पढ़कर आ गए ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलग अलग फॉर्मूलाज, वही सेम टू सेम बात इधर लिखी हुई है। देखो क्या होता है आपके पास, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, ये आपकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन को मैं एन बाय वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिख सकती हूँ, तो यार इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगी तो ये मोलर मास, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आरटी बाय वी इधर अलग चला जाएगा। तो देखो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि यार मेरा जो ये पाए है ना, पाए ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कैन आई से कि मेरा जो पाए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट? एब्सोल्युटली यस। उसके बाद यहां पर भी देखो यार, यहां पर आपका जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, उसको कर लो एक्सपैंड, तो यही आएगा जो सामने लिखा है ना। तो यार यहां से मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा जो डेल्टा टीबी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या निकल कर आ रहा है कि यार मेरी जो ये आपकी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा जी वॉट अबाउट डेल्टा TF? सेम टू सेम जैसा डेल्टा टीबी, यार डेल्टा TF के साथ भी तो सेम ही फॉर्मूला होता है, कुछ अलग तो होता नहीं है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर आपको टीबी नहीं TF लिखना है ना। वॉट अबाउट RLVP? RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपके पास क्या निकल कर आएगा, वापस से द सेम थिंग, क्योंकि यहां पर भी आप देखते हो कि आपका ये जो ये डेल्टा PP इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो तो देखो डिनोमिनेटर में वापस से यू हैव द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ओनली, है ना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि यार RLVP भी मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये सब क्या है, दीज आर ऑल क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और यार मेरी चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर मास, है ना, मोलर मास के साथ कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्स रिलेशन रखती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ये तो यार सबको, ये बात मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो तो लिखो यस मैम, है ना, मान रहे हो यार कि सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट, कह दो यस, कह दो यार जल्दी कह दो, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम, है ना।
तो ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि यार देखो मेरी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, जितनी भी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, दे आर ऑल इनवर्सली रिलेटेड टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन साथ इनवर्स रिलेशन दिखाती है, ठीक है। तो यार एक्चुअली क्या होता है, अभी आप पढ़कर आए हो, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ, इसको हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। सी आपने यहां से देख लिया, यहां से मेरे को पता चल गया कि यार जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, दे आर ऑल इनवर्सली रिलेटेड टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, है ना। या इसको ऐसा लिख देती हूं मैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दो यार, ठीक है। अब यार क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अब क्या, अरे वैंटॉफ फैक्टर पढ़ा रही थी मैं तुम लोगों को। वैंटॉफ फैक्टर जो आपका होता है, दैट इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितनी आई है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही तो बताया था मैंने यार तुम लोग को। अब यार मेरे को मान लीजिए पता ही नहीं है कितनी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कितनी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मेरे को एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास अगर गिवेन है, तो आप एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास के हेल्प से भी वैंटॉफ फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, उसको देखिए। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल मोलर मास, और यहाँ इसके लिए ये न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, दी नॉर्मल मोलर मास, है ना। सो दिस इज योर वैंटॉफ फैक्टर, क्या हो जाएगा वैंटॉफ फैक्टर, अभी आपका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय दी एबनॉर्मल मोलर मास। देखो यार बिल्कुल सेम ही निकल कर आएगा, जैसे आप मेरे को बताओ एसिटिक एसिड के केस में कितना आएगा, एसिटिक एसिड वाले केस में आपके पास 60 उसका नॉर्मल मोलर मास होता है और 120 उसका एबनॉर्मल मोलर मास, तो यार ये 1/2 निकल के आ गया, विच इज 0.5, और 0.5 ही क्या होता है वैंटॉफ फैक्टर, कह दो यस यार, यस कह दो फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं बाकी की बात, है ना। आज पूरा चैप्टर हम लोगों ने फिनिश करना है और ऑलमोस्ट हो ही गया, और मैं आपको यहाँ पर भी क्वेश्चंस कर दिखा दूंगी, और फिर उसके बाद कल से स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर। बेचारा सॉल्यूशन बहुत लंबा पढ़ लिया हमने, है ना। और यार ये एक्चुअली थोड़ा 3 दिन पहले फिनिश हो जाता, ये गैप आ गया, अदरवाइज कितना सही चल रहा था हमारा, है ना, कितना सही चल रहे थे हम लोग, और विद 9 lectures आपका ये फिनिश हो जाता, हालांकि आज ये आपका 10th lecture लग गया इसका, है ना। मजा आया यार, सही है, ओके गुड। उसके बाद इसको देखो, अब यार मेरे पास एक और कोई तरीका होना चाहिए, है ना। आपको नहीं लगता कि यार कोई तो ऐसा तरीका हो, ये तो सब हम तब कर पा रहे हैं जब हमें ये पता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो जाएगा, है ना। ये तो आप वैंटॉफ फैक्टर तब कैलकुलेट कर पा रहे हो जब आपको ये पता है कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी आफ्टर यू परफॉर्म दी एक्सपेरिमेंट, यानी कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जब आपको पता हो, या फिर जब आपको एबनॉर्मल मोलर मास पता हो, ये दोनों ही ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। तो यार ऐसे तो क्या फायदा, अगर मेरे को एबनॉर्मल पता होगा तो फिर तो क्या फायदा, मेरे को तो ऐसा कोई तरीका चाहिए ना कि जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी मेरे कैलकुलेशन से भी डिट्टो वही वैल्यू आ जाए जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि जब मैं कैलकुलेट कर रही हूं तो गड़बड़ हो रही है, है ना। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से, अब नॉर्मल उसमें लगता नहीं है ना, नॉर्मल उसमें लगता नहीं है क्योंकि नॉर्मल से वो डेविएट कर रहा है, उसमें गड़बड़ आ रही है, और एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आ रहा है। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि यार मैं जो है ना अपने आप जो कैलकुलेशन करूं उसी में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं कि हमारी वैल्यू भी वही निकल कर आए जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आती है या जो ऑब्जर्व निकल कर आती है। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहां पर आपके पास जितनी भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपके पास ये आती है डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको यार कर लेना तुम लोग अपने आप मॉडिफाई, जो भी किया हुआ है इसको, जैसा भी हम लोग लिखते हैं ना मोलालिटी के टर्म्स में, जिसके मन चाहो वैसा लिख लेना इसको, बस समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसे ही सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम।
और यार लास्ट क्या होती है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी है ना। अब सी हम इसमें क्या करते हैं, इसको भी वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी वेंट ऑफ से, इसको भी वेंट ऑफ से, इसको भी वेंट ऑफ से, और बस बात बन गई। मतलब अब वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वही होगी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी। देखो जब तक ये आय नहीं था, आय बोले तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर नहीं था, तब तक जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या थी, दैट वॉज योर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर आय को इंक्लूड कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वही निकल कर आएगी जो यहां से आ रही होगी। अब तुम कहोगे ये तो मैम आपने पहले भी बता दिया था, लेकिन ये तो बताओ ये आय कैसे आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर बिना एक्सपेरिमेंट करे कैसे आएगा। तो वो हमें यहां पर सीखना है कि कैसे आपके पास ये वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी आप इस तरीके से अपने सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो, मान लो तुमसे कह दिया यार डेल्टा टीबी फाइंड आउट करो, इसका डेल्टा टीएफ, तो दिमाग में सेट कर लो कि आय यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि अब आपके जितने भी पिछले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सब का फॉर्मूला इस तरीके से बदल जाता है। कुछ बदला बदला तो कुछ नहीं, आय से मल्टीप्लाई हो गई, और आय क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं यार, वो भी बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म वफॉर्म सब तो ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं है उससे पहले हम कैलकुलेशन से ऑन पेपर राइट आंसर कैसे दे सकते हैं, राइट। तो वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उसी को हमने सीखना है। देखो यार वेंट ऑफ फैक्टर के साथ मतलब कुल मिला के हमारे साथ दो सीन हो सकते हैं, या तो एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, है ना। जैसे हमारा NaCl था यार, वो बेचारा टूट गया, डिसोसिएशन हो गया, और ऐसे ही वो एसिटिक एसिड के केस में वो क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, डायमर का फॉर्मेशन कर लेता है। सो वी हैव दीज टू केसेस, एसोसिएशन या फिर आपके पास क्या होता है डिसोसिएशन। पहला केस हम कंसिडर करेंगे डिसोसिएशन का। सी अब आपके पास डिसोसिएशन हो रहा है यार, है ना। कैसे हो रहा है डिसोसिएशन, ये तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखकर दिखाती हूँ, ऐसे साथ साथ करेंगे तो मजा आएगा। लेट अस से आपके पास कोई ए है रिएक्टेंट, और ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है, ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है इनटू एन बी। किस में डिसोसिएट हो गया, एन बी में, समझ रहे हो। मतलब एक पार्टिकल था ए, एक नाम है उस पार्टिकल का। इसको यार तुम ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक NaCl था, है ना, और फिर उसके बाद वो आपका एन बी पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया, मतलब उसने बी पार्टिकल्स बना लिए, और कितने बनाए, एन बनाए, राइट। जैसे यहां पर आपके पास ये था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसने एक Na पॉजिटिव बनाया था, एक Cl नेगेटिव, तो ये एक NaCl दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर आपको एनालॉजी लगानी है, और लगाते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसे कह देना है कि यार क्या जो हमारा ए है ना वो एन बी पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो चुका है। इतना कह दोगे तुम, बता दो मेरे को फटाफट, बता दो, कह दो यार। अब फिर तभी आगे बताऊंगी मैं, ये जो बात इधर लिखी है ए एन बी वाली, ये तुम्हें समझ में आई है कि ऐसा ऊपर से जा रही है, और फिर मैं आगे कभी पढ़ा दूं और फिर वो तो बिल्कुल ही ऐसे चला जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा तुम्हारे साथ, है ना। सब समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, व्हाट अ राइम, है ना। ओके यार समझ में आ रहा है, फिर तो बढ़िया है, अंडरस्टूड तो वेरी गुड। ऐसा कुछ था तो नहीं वैसे इसमें नॉट अंडरस्टूड टाइप का, हम पढ़ाया भी इतना बढ़िया है, है ना। तो देखो अपने लिए मैं बोल रही हूँ कि डाउट होना भी नहीं चाहिए, बाकी रहता है यार, तो ऐसा स्पेशल क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, स्पेशल क्लास में पूछ लेना। अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ देखो यार, अब तुम्हारे पास इनिशियली मान लो इसका एक ही पार्टिकल था इनिशियली, जब तक कुछ हुआ ही नहीं भाई, मतलब रिएक्शन रिएक्शन कुछ हुई नहीं, तो फिर तो क्या ही होगा, इनिशियल होगा जो होगा। इनिशियल में तुम्हारे पास मान लो यार इसका एक पार्टिकल रहा, अब इनिशियली तो जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो ये तो बी वी का तो कोई सीन नहीं, तो बना ही नहीं बेचारा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इक्विलिब्रियम बोल दो, या फिर आपका जो ये ए है ये आपका मान लो अल्फा टाइम्स डिसोसिएट कर जाता है। अल्फा सब समझते हैं ना, अल्फा सबको पता है, अल्फा क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना हद तक टूटकर
आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यार हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वी हैव दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कौन, जैसे NaCl, जैसे HCl, जैसे H2SO4। उनमें क्या होता है कि उनको आप पानी के अंदर डालो और बस डालते ही वो अपने आयंस में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएंगे। NaCl तो बचेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा आयंस में ही चले जाएंगे। तो वहां पर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 होती है, या फिर आप बोल सकते हो 100% डिसोसिएशन होता है, आयंस में ही टूटकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, है ना? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ऐसा नहीं होता यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत बचता भी है और थोड़ा बहुत आयंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कितना बचेगा, कितना आयंस में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करता है उसके अपने नेचर के ऊपर। जैसे हर एक किसी का अलग अलग यू नो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है, उसी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। जैसे NaCl का केस आए तो वहां तुम्हें अल्फा जो है ऑटोमेटिकली 1 रख लेना है। बाकी कोई अगर ऐसा आ जाता है कि एसिटिक एसिड, ऐसे कहते हैं यार ये तो 25% डिसोसिएट करता है, क्वेश्चन में ऐसे लिखकर देखते हैं कि 25% डिसोसिएट करता है कौन, एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब उसका अल्फा पता है क्या हो जाएगा, अल्फा इज नॉट 25%, अल्फा तो फ्रैक्शन होता है, अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है कभी भी। तो यहां पर यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 100 और आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी विच इज 0.25। इसका मतलब वो आपको कह रहे हैं कि अगर 25% डिसोसिएट करता है मतलब उसका अल्फा जो है 0.25 है। बोलो यार इतनी बात क्लियर है क्या? है ना, इतनी बात क्लियर। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहती थी एक्चुअली, पहले वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जब करेंगे तो भी आपके सामने आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर आपके पास ये कितना हो जाएगा, एन अल्फा, है ना, ऐसा हो गया यार। ये अगर अल्फा टूटा तो अल्फा टूट के किधर गया, किधर गया, बी में गया ना, और बी कितना बना, एन बना, बी के कितने पार्टिकल्स बने, एन, तो एन अल्फा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, या फिर वो उसके इतने मोल्स हैं आपके पास, राइट। अभी देखो ये आपके पास इनिशियल का सीन था और ये आपके पास आफ्टर डिसोसिएशन, यहां पर आप लिखोगे आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद ऐसा सीन हो गया। 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा में किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम यहां पर, ये जो 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा मैंने लिखा है यार, ये तुम लोग उधर भी पढ़ते हो, किधर, केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाकर आई हूं, ठीक है। 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा आ जाएगा, देखो यहां पर एग्जैक्टली सेम बात हमने लिखी हुई थी, 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा, ठीक है। अब आपके पास आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है यानी कि हमारा आई, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड, मतलब इसका मतलब ये होता है आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली किसके इक्वल होता है कि यार डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स आपके पास है, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स बचे हैं जब वो टूट गया, जब वो डिसोसिएट हो गया, तो कितने बचे हैं, देखो यार टूटने के बाद तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बचे, है ना, ये बचा और ये बचा है, तो दोनों को ऐड कर दो यार, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये होएगा, है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, हाँ भाई सही है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये टूटने के बाद इतने पार्टिकल्स बचे आपके पास, टूटने से पहले कितने पार्टिकल्स थे यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो आपके पास यहां से ऐसे वेंट ऑफ फैक्टर निकल कर आ गया। अब यार ये तो सही हो गया, देखो काम तुम्हारा बन गया, क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसे वेंट ऑफ फैक्टर आ सकता है और ये तो तुम पेपर पे कर भी देख सकते हो। तो आपके पास यहां से वेंट ऑफ फैक्टर अगर निकल कर आ जाएगा किसी भी किसी का भी, तो फिर तो यार एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप, कैसे, इस तरीके से, यहां पर अपने एक्सप्रेशन में आप ये आई से मल्टीप्लाई कर डालो, जो मैंने तुम्हें लिखकर दिखाया था बीच में, किधर गया वो, हाँ ये देखो ऐसे आए तुम्हारे पास आ चुका है इस वाले फॉर्मूला से, फिर यहां पर आप पुट करिए, अब पुट कर बस आपके पास ये एबनॉर्मल जितनी भी आनी चाहिए एक्सपेरिमेंटल उतनी निकल कर आ जाएगी। तो यहां से कर देखते हैं 2-3 के लिए हम लोग, राइट। पहले ये ध्यान से देखो इसको, ये आपका जनरल फॉर्मूला इधर बन चुका है। व्हाट इज दियर जनरल फॉर्मूला, आपका वेंट ऑफ फैक्टर के लिए जो जनरल फॉर्मूला बनता है दैट इज 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, राइट, ये होता है हमारा, दिस इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 1 प्लस एन माइनस, ओए यार ये मैंने माइनस लिखा है प्लस आ गया, माइनस 1, है ना, हाँ माइनस 1 अल्फा,
सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है किसके लिए, वेंटॉफ फैक्टर के लिए. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेंटॉफ फैक्टर. जब आपका कौन सा वाला केस है, फॉर डिसोसिएशन. फॉर डिसोसिएशन आप अगर इसको ध्यान रख लेंगे तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी और आप ऐसे चुटकियों में बता पाओगे कि यार किसके लिए कितना वेंटॉफ फैक्टर आने वाला है, किसके लिए आई की वैल्यू क्या होने वाली है. सही है, आगे बढ़ जाए. देखो यार, अब भी आपके पास ये है, जैसे NaCl और MgCl2 है, है ना, NaCl और MgCl2, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके लिए भी आपको क्या करना है. अभी हम इनके लिए कर देखते हैं वेंटॉफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. MgCl2 हो या NaCl हो, यार दोनों के दोनों कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. बताओ, मैं तुम लोग को कह रही हूं कि चलो NaCl और MgCl2 का मेरे को बताओ वेंटॉफ फैक्टर कितना कितना आएगा. दोनों के केस में आपको मुझे बताना है कितना आएगा NaCl के लिए, कितना आएगा MgCl2 के लिए. NaCl के लिए बताना है यार कितना आएगा, जल्दी से बता दो प्लीज. क्या होता है, व्हाट इज वेंटॉफ फैक्टर, कि आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, है ना, कितने पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो देखो इसका डिसोसिएशन कराकर देखो यार, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सो हाउ मेनी पार्टिकल्स डू आई हैव आफ्टर डिसोसिएशन, टू, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव. तो आफ्टर डिसोसिएशन मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, ये देखो यहां पर एक ही था, तो बिफोर डिसोसिएशन आई हैव ओनली वन पार्टिकल, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2/1, और वेंटॉफ फैक्टर आपका कितना निकल कर आएगा, I दैट विल बी इक्वल टू 2, राइट. वेंटॉफ फैक्टर कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया. उसके बाद यार MgCl2 देखो, MgCl2 ऐसे ही आपका डिसोसिएट करेगा into Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. तो यार फिर इसके अंदर आपके पास कितने वेंटॉफ फैक्टर कितना आएगा, सोचो, 3, वेरी इजी, 1 + 2 = 3. तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 पार्टिकल्स हैं, बिफोर डिसोसिएशन तो यार एक ही था, तो इसके लिए वेंटॉफ फैक्टर कितना आ गया, 3. ओए होए, ये तो यार बड़े ही आसान हो गया, है ना, देखो कितना इजी था. अब इसमें आप एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ये जो आपका फॉर्मूला था ना 1 + n - 1 α, ये भी आप इसमें लगा सकते थे, राइट. इसके अंदर हम ये भी लगा सकते हैं, तो एक्चुअली क्या है, इसमें ये सेम ही निकल कर आएगा, ये आपका आई की वैल्यू होती है. अब देखो इसमें 1 + n की जगह क्या लिखोगे, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, n मतलब पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन -1, और अल्फा क्या होगा, अल्फा तो यहाँ पर 1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, तो अल्फा की वैल्यू विल बी 1. अरे अगर आर की अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो देखो NaCl के लिए वैल्यू 2 ही निकल कर आएगी, तो वेंटॉफ फैक्टर NaCl के लिए कितना हो गया, 2. MgCl2 के लिए कितना हो गया आपके पास, 3. AlCl3 के लिए बताना यार, अब कौन है, who's the one, जो मेरे को सबसे पहले AlCl3 के लिए बता रहा है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 के अंदर वेंटॉफ फैक्टर कितना होता है, जल्दी से बता दो एकदम फटाफट, बताओ यार AlCl3 के अंदर कितना होएगा. और मान लो, हाँ ओए वेरी गुड, बता भी दिया इन्होंने, तो रजक ने बताया सबसे पहले, आकांक्षा वेरी गुड, सोनल आहा वेरी गुड, MBBS शाहरुख, रविंद्र, हिबा, इति वेरी गुड, आरुषा, आशिमा, बहुत अच्छे, आप सबने ठीक बताया, मतलब समझ कर. देखो यार, इज इट मुश्किल? नो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऐसे तो सिंपल सा है बेचारा, है ना, तो ऐसे तुम सोच रहे हैं तो हम ऐसे कर लेंगे मैम, ऐसे पूछो मत बस, है ना. AlCl3 किस में होगा, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में, तो यार ओए होए 3Cl नेगेटिव, तो यार इसका वेंटॉफ फैक्टर विल बी इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन 4 पार्टिकल्स और बिफोर डिसोसिएशन 1, सो इट इज 4, वेंटॉफ फैक्टर आपका 4 निकल के आ गया, डन, है कि नहीं. तो यार अब तो तुम किसी का भी निकाल लोगे, बस इधर पता है क्या है, इधर ये है कि आप जितने भी इनको ले रहे हो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो ये तो तुम ऐसे मजे मजे में कर दे रहे हो, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, आपको ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ रहा है वेंटॉफ फैक्टर का जो फॉर डिसोसिएशन आता है. लेकिन कभी कभार हो सकता है आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवेन हो, और वीक का यार वो पक्का ही आपको अल्फा देकर रखते हैं, वो यूजुअली परसेंटेज में देते हैं, फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो फिर उसमें तुम इतना दिमाग चला लोगे, क्योंकि डीपीपी में मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले, तो यार इतना दिमाग लगा लोगे ना कि अल्फा वैल्यू रखकर और फिर वेंटॉफ फैक्टर निकाल दे, उसमें ऐसे डायरेक्ट मत निकालना, जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो, ठीक है, तो उसमें ये वाले फॉर्मूला से हम जाते हैं.
दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर, जैसे आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो वीक इलेक्ट्रो, हाँ तो साथ साथ देखो बोला मैंने और आ गया आपके पास एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन, एसिटिक एसिड। अब यार एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है इनटू एसिटेट आयन एंड एच पॉजिटिव आयन। अब यार ये तो वीक एसिड है, ये पूरा डिसोसिएट नहीं करता है। यहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम रहता है, यहां आपके पास ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहां मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास आफ्टर डिसोसिएशन दो पार्टिकल्स होंगे, नहीं यार नहीं होंगे, बेचारा पूरा डिसोसिएट नहीं करता है ना। तो यहां पर आपके पास ऐसा नहीं होगा। तो यहां आपको अपने फॉर्मूला में, ये जो आपका फॉर्मूला था ना इसके लिए जो हमने डिराइव किया वैन टॉफ फैक्टर के लिए 1+(n-1α), उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब उसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो 1 की जगह 1, ओ कितनी बड़ी बात है ना, पेन भी गिर गया इस चक्कर में। एनीवेज फिर उसके बाद n क्या होता है कि आपके पास कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं डिसोसिएट होने के बाद। तो मेरे को यार इधर 1+1 2 दिख रहे हैं है ना, तो ये देखो n, ये आपके पास 2 हो गया। और अल्फा एक्चुअली क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, तो यहां पर इन्होंने दिया होगा क्योंकि आंसर 1.25 आ रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग कि यहां अल्फा आपका 25% गिवन होगा, मतलब उन्होंने आपको 25% बताया होगा कि ये 25% डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो यार फिर अल्फा 0.25 हो जाता है, कह दो यस मैम, कह दो यार, बस हो गया। फिर इधर वैल्यू रख लो, 1.25 आएगा, कितना आएगा 1.25, कह दो यार। अब यहां से एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बहुत ही मजेदार वाला टाइप का, अब देखते हैं तुम लोग सही बता पाते हो उसका आंसर या नहीं। पूछ लो यार, कह दो यस मैम, पूछ लो यार, आप मैम कुछ भी पूछ लो हम सब बता देंगे, इंटेलिजेंट कितने हैं हम इसका आपको अंदाजा है ही नहीं अभी, वी आर वेरी इंटेलिजेंट है ना, पूछ लो। देखो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अरे होए दामिनी कह रही है पूछ लो मैम पूछ लो, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये बताओ डिसोसिएशन जब भी होगा, डिसोसिएशन के केस में लिखा है आंसर उधर, ठीक है, डिसोसिएशन जब भी होगा डिसोसिएशन के केस में वैन टॉफ फैक्टर 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा, हमेशा क्या होगा वैन टॉफ फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा, बता दो यार, साइलेंट गेमर सुना दो यार, इतनी देर बेचारा ऐसे लिख रहा है मैम सुनो, सुन तो मैं वैसे भी नहीं पा रही, मैं तो देख पा रही हूँ ये जो तुम टाइपिंग कर रहे हो है ना, इतने में तुम लिख देते यार ये जो तो आप सुनाना चाहते हो, मेरे को भी दिख जाता। बड़ा आएगा, वेरी गुड, बड़ा आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम लोग। देखो कैसे होगा ये, कैसे हुआ, देखो यार तुम सब में तो देख लो, तुमने जब NaCl का किया तो भाई तुम्हारे पास NaCl का कितना आया वैन टॉफ फैक्टर निकल कर 2, फिर तुमने MgCl2 किया, MgCl2 का कितना आया तुम्हारे पास निकल कर 3, फिर तुमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का AlCl3 का किया यार वो कितना निकल कर आया तुम्हारे पास 4, फिर तुमने और भी कुछ कुछ किया एसिटिक एसिड का किया, बेचारा वीक था लेकिन उसका भी कितना निकल कर आया 1.25। जिंदगी में हमेशा ही तुम्हारे पास वैन टॉफ फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके पास जो आपका जनरल एक्सप्रेशन आया वैन टॉफ फैक्टर का फॉर डिसोसिएशन वो कितना निकल कर आया है, फॉर डिसोसिएशन आया है 1+(n-1α). तो यार देखो 1 में कुछ ना कुछ बढ़ाओगे तुम, कुछ ना कुछ ऐड ही करोगे भाई, तो क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे तो इसकी वजह से वैन टॉफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगा, किसके केस में, डिसोसिएशन। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं, हाय ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा नहीं आ जाएगा, मैं बेचारा आराम से सॉल्व हो जाएगा तुम लोग से यार, ठीक है। तो वैन टॉफ आपका जो ये होता है ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फॉर डिसोसिएशन वैन टॉफ फैक्टर हमेशा ही बढ़ाएगा आपका 1 से। उसके बाद ऊपर जो ये लिखा है ये सारा कर दो तुम लोग, इग्नोर, प्लीज इग्नोर दिस। उसके बाद देखो यार एसोसिएशन के केस में क्या होगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एसोसिएशन, क्या हो जाएगा एसोसिएशन के केस में, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके दिमाग में रखो और उसको करने का कोशिश करो, ठीक है। तो इसको बाद में मैं ड्रॉइंग कर लूंगी इधर, अभी इतना ही देख लेते हैं हम, चलो यार शुरू हो जाओ। देखो हमारे पास क्या हो रहा है,
यहां पर जब आप किसकी बात करोगे, एसोसिएशन की बात करोगे, तो एसोसिएशन में हमारे पास सीन ऐसा है, कैसा है देखो, ऐसा है कि ए के एन पार्टिकल्स हैं और फिर वो आपस में मिल जा रहे हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बेसिकली ए एन ऐसा ही तो होता है ना। अब ए की जगह तुम क्या रख लो यहाँ पर, एसिटिक एसिड, कि एसिटिक एसिड के दो आपके पास पार्टिकल्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए, दो मोल्स लिए, और फिर वो आपस में डाइमराइज कर जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और इधर आपके पास ऐसा होल ट्वाइस फॉर्म हो जाता है। तो यही हो रहा होता है ना। तो यहां पर यार देखो, व्हाट विल आई अज्यूम, कि मैंने इसका जो है इनिशियली वैसे ही लेकर चलते हैं, इसको वैसे ही लिखा है इन्होंने, इनिशियली हमने इसका जीरो मोल्स लिया है। ओए होए, जीरो जीरो कैसे करोगे, वन लिया है, कुछ तो लोगे तभी तो कुछ होगा, जीरो इसका लोगे तो यार कुछ होने वाला है ना। तो इसका हमने इनिशियली वन मोल लिया है, और ये तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब मेरे को बताओ आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, जल्दी से ये जो बता देगा बस मेरे को मजा आ जाएगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर एसोसिएशन, इसका कितना मोल्स बचेगा, आपके पास वन मोल था है ना, अब कितना बचेगा यार आफ्टर जो है ये क्या बोलते हैं आफ्टर एसोसिएशन, ये आप लोगों ने बताना है भाई। वन माइनस अल्फा, अरे यार इसमें भी इतना सोचने की बात है क्या, जितने भी थे हमें क्या, मैंने उसको वन मोल मान लिया है ना, तो उसको अगर आप वन मोल मान रहे हो तो यार आफ्टर एसोसिएशन वन माइनस अल्फा, इसमें से कुछ चला जाएगा एसोसिएट होने के लिए है ना, अब कितना जाएगा दैट डिपेंड्स। उसके बाद ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा यहां पर, इट विल बी अल्फा बाय एन। देखो ध्यान करो, जब पीछे वाले केस में एन बी निकल कर आया था, और ये वाला केस था किसके केस का, ये कौन सी वाली बात है, डिसोसिएशन वाली। तो यहां पर ये मेरा वन मोल था, और यार ये आपका वन माइनस अल्फा बन गया था, यहां पर भी सेम टू सेम कहानी हुई है, वन मोल था वन माइनस अल्फा बन गया, बट द कहानी जो इधर होगा दैट इज कि आपके पास ये कितना हो जाएगा, यहां एन अल्फा हो जा रहा था क्योंकि आपके पास एन पार्टिकल्स बन रहे थे बी के, लेकिन यार इट विल बी अल्फा बाय एन, क्योंकि यार वो तो एक ही बन गया ना, वो n पार्टिकल्स मिलाकर एक ही पार्टिकल बनाया है, राइट। तो इट विल बी अल्फा बाय n हियर, यहां पर कितना आएगा आपके पास, अल्फा बाय n, कह दो यस। ऐसा पीछे वाले के साथ कंपेयर कर देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। बताओ यार इतनी बात क्लियर हो तो बताओ, क्योंकि अगर इतनी बात आप लोग को क्लियर है तो बस बाकी तो आपको सब अच्छे से आ जाएगा। अब इधर वेंटा फैक्टर निकाल कर बता दो मुझे फटाफट, वही सेम तरीके से निकालना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, कैसे होगा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, कितना आ रहा है कर देखना एक बारी, बस वही आपका आंसर होगा। और फिर हमारा ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट हो ही गया, एक दो क्वेश्चन कराऊंगी बस, और फिर बचेगा हेनरीज लॉ, 3 मिनट की बात है वो, ठीक है, बस चैप्टर खत्म, चैप्टर फिनिश। उसके बाद बता दो यार इतना बता तो दो, पर ये फाइंड आउट कर बता दो तुमने, तुम लोग मेरे को जल्दी से, कम ऑन, कौन बता रहा है सबसे पहले, who is going to give me the fastest answer for this? हाय इतना मुश्किल है ये, ओए होए, oh my god, किसी ने लिखा तो है रविंद्र कुमार ने, अरे यार यही तो करना है तुम्हें, सेम टू सेम काम करना है इधर भी, this will be equal to कितना है, 1 minus alpha plus alpha by n, ये हो जाएगा, और तो कुछ करना ही नहीं, divided by 1, वन ही है, एक पार्टिकल है बिफोर ये, तो इसको जरा मॉडिफाई करिए आप लोग, तो आप अल्फा कॉमन लेंगे जब, तो आपके पास अगर आप माइनस का कॉमन ले रहे हो, माइनस को कॉमन ले रहे हैं आप है ना, तो और साथ ही साथ अल्फा अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं, यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, या ऐसा कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, हाँ ठीक है, ये आएगा आपके पास, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन यू विल हैव फॉर वेंटॉफ फैक्टर, किसके केस में, एसोसिएशन के केस में, ठीक है यार, एसोसिएशन के केस में ही आएगा। अब बता दो इतनी बात सबको समझ में आ गई हो अगर, राइट, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि फॉर एसोसिएशन, किसके केस में, फॉर
एसोसिएशन आपके पास जो निकल कर आता है दैट इज वन प्लस अल्फा वन अपॉन एन माइनस वन. और फॉर डिसोसिएशन ये वैंट ऑफ फैक्टर का एक्सप्रेशन है. ठीक है, फॉर डिसोसिएशन हमारे पास कितना निकल कर आता है वैंट ऑफ फैक्टर वन प्लस एन माइनस वन अल्फा. कह दो यस, कह दो, बोलो यार, कह दो यस मैम. फॉर एसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन एंड वी आर डन. ओए होए, मजा आया कि नहीं? अब यार थोड़ा सा दिमाग लगा के बस एक बात और बता दो, अगर डिसोसिएशन के केस में हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है वैंट ऑफ फैक्टर की, तो ये एसोसिएशन हो रहा है यार. एसोसिएशन के केस में हमेशा ही आपके वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन वन आएगी. ठीक है, सो यहां पर आपके पास ये देखो, ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा है किसके लिए? एसोसिएशन के लिए, वही जो मैंने आपको फाइंड आउट कर दिखाया. और फिर एसोसिएशन के केस में वैल्यू वैंट ऑफ फैक्टर की हमेशा लेस देन वन आती है, चाहे तुम कर देख लो यार. जैसे आपका एसिटिक एसिड वाला केस था, एसिटिक एसिड में क्या हो रहा था, CH3COH, इसके आपके पास दो मॉलिक्यूल्स थे और ये आपके पास ये एसिटिक एसिड का दो मॉलिक्यूल्स थे और ये आपस में एसोसिएट हो रहे थे और आपके पास इस तरीके से डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा था. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? वन है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ये तो एक सिंगल उसकी तरह बिहेव करेगा, बिफोर कितने थे? टू. टू तो 1/2 मतलब 0.5. तो यार जब आफ्टर एसोसिएशन तो पार्टिकल बेचारे कम नहीं हो जाएंगे क्या? सोच के देखना एक बारी. एसोसिएशन पढ़ रहे हो तुम, एसोसिएट होने के बाद तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं ना, तो वो एक बना लेते हैं. तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे. और वैंट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, है ना. तो न्यूमरेटर तो छोटा ही आएगा हमेशा, तो यार छोटा आएगा तो वन से तो कम ही आएगा, तो बस वैंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन वन. ओ माई गॉड, इज इट दैट मुश्किल? कह दो नो मैम. समझ गए यार, जल्दी से बता दो बस, फिर आपका हम फटाफट इसको फिनिश करते हैं. हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस. और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स अभी भी सेशन को देख रहे हैं, डू नॉट मिस टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि वैसे आज आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी फिनिश हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मॉडिफाइड इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये रहे, तो ये जो मैंने आपको बता दिया वो ये भाई, सेम टू सेम ये मॉडिफिकेशन है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कि आप सब में जो है अभी वैंट ऑफ फैक्टर लगा दीजिए, प्रॉपर्टी सेम टू सेम, बस उसमें वैंट ऑफ फैक्टर आ गया, एंड दैट इज हाउ यू हैव दी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हु इज गोइंग टू आंसर मी सबसे पहले कि यार इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हाई इज द मॉलिक्यूलर मास determine क्या लिखा है, why is the molecular mass determined by measuring colligative properties in case of some solutes is abnormal? अरे यार molecular mass कभी कभी abnormal क्यों निकल कर आता है, ऐसे पूछ रहे हैं. अब इसको option दे दो right फटाफट. हाँ वही तो, very good, very good. option A, सोनल, रिया, मीठी, कोमल, सुमित, वैष्णवी, रजक. रजक से ऐसा गजक याद आ रहा है. सोनल, राज, वेरी गुड, सही है यार, ए ही है ऑप्शन इसका राइट. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. देखो वो क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल क्यों आता है, किसकी? लार्ज साइज डीकम्पोजर, ये हमने कुछ नहीं पढ़ा. डिस्क्यू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, है ना, यही तो होता है. एसोसिएट और डिसोसिएट कर जाते हैं मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से यही तो है वो कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी एबनॉर्मल निकल कर आ जाती है. बस विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बता दो जल्दी से, बताएंगे इसके बारे में भी. इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ये तुमसे बताया नहीं जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है. बताया नहीं जाएगा तुम लोग से, है ना. अरे यार देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट इज डायरेक्टली नहीं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैंट ऑफ फैक्टर. और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैंट ऑफ फैक्टर. अब इसको ध्यान से सुनो, ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इधर से आते तुम कर नहीं पाओगे अगर इसको सुनोगे नहीं, प्रपटाई होगी. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनो. अब बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल, बहुत मुश्किल चीज मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ, जब मैंने ऐसे लिखा है कि ये इसके डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहां से आप बस इतना भी ध्यान रख लेंगे अगर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट आई डोंट वॉन्ट कि आप इसको ऐसा ध्यान रखकर जाओ, क्योंकि ध्यान रखने के चक्कर में ना फिर ऐसा दिमाग में खिचड़ी हो जाता है और फिर कुछ 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 का कुछ कुछ ध्यान रह जाता है ना. तो ऐसा ना आप उल्टा सीधा कर कर आए, तो समझ लीजिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है. देखो यार होता क्या है कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है ना,
अगर आपका जो ये है आय है, यानी कि वेंटॉफ फैक्टर, वेंटॉफ फैक्टर एक्चुअली क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, है ना। अगर यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सॉल्यूट के, यही तो बताता है वेंटॉफ फैक्टर। अगर आपका आय जो है बड़ा आ रहा है, जैसे NaCl का केस ले लो यार, तो इसमें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन विच इज 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यार अगर तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं किसके, सॉल्यूट के, अब सॉल्यूट तो वेपर बनाता ही नहीं, ये कैसा सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट वेपर नहीं बनाता, तो सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेंटॉफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम, समझ रहे हैं आप इस बात को। वेंटॉफ फैक्टर अगर ज्यादा होगा, वेंटॉफ फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेंटॉफ फैक्टर, क्योंकि वेंटॉफ फैक्टर किसका है, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल होता है, वेपर बनाता ही नहीं, उसकी वजह से प्रेशर आएगा ही नहीं, वेपर प्रेशर कम अगर आपका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा। तो कितना इंटरेस्टिंग हुआ देखो, अब मान लो तुम्हें NaCl MgCl2 AlCl3 दे दे और पूछे बताओ किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो NaCl का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेंटॉफ फैक्टर सबसे कम, राइट इतनी बात सब लोगों को क्लियर। अब इसी के साथ साथ यार आप सबको पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं, तो अगर वेपर प्रेशर आपका इनवर्स रिलेशन रखता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रखता होगा, डायरेक्ट रिलेशन रखता होगा। मेरे ख्याल से ये दो बात तो सब लोगों को ऐसा क्लियर होंगी, है ना, ये दो बात तो आपको क्लियर होंगे, बता दो यार ये दो क्लियर है रिलेशन, वेंटॉफ फैक्टर और बॉइलिंग पॉइंट और किसका, वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है। अब हमारे पास दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच गई, कौन कौन सी, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, एक तो यार फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ओए होए फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और है कौन सी भला, पाए ऑस्मोटिक, अरे यार पाए वाली तो देखो कितनी इजी है, ICRT, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साफ साफ दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आए, तो ये आपका लास्ट वाला आ गया। व्हाट अबाउट दी फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ऐसे देखने में तो लग सकता है कि यार हमारा जो डेल्टा टीएफ होता है दैट इज इक्वल टू आई के एफ एफ, तो एक झलक में आपको ऐसा लगेगा कि आप यू नो द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेंटॉफ फैक्टर, बट ऐसा नहीं है, वो तो चेंज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट और यहां पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, तो यार यहां पर ये जो आपका ये है टी एफ है, ये तो कम ही हो रहा है ना, ये तो कम हो रहा है, अब इसमें देखो टी एफ जो है इसको, इससे मतलब है मेरे को ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ को तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि टी नॉट एफ माइनस आई के एफ एम, तो इसका मतलब कि मेरा जो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है, वैसे भी इस प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या कि मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो कम हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है उसमें, और कितना आ रहा है इतना, तो इतना कम हो जाएगा। अब ये आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये आई यहां पर यार जितना ज्यादा होगा उतना ही कम वैल्यू आएगी मेरी टीएफ की, या नहीं बताओ यार, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा जितना आपका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा होगा, कह दो यस, वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा कि नहीं आएगा, इतना इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, पर तुम लोग थक गए है ना, पर आज चैप्टर तो फिनिश करना ही है, अब इसको क्या 100-200 साल तक खींचेंगे हम ये चैप्टर, बताना एक बारी फरवरी में फिर हम फिर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होगा, है ना यार, ये समझ में आ गया तुम लोग को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेंटॉफ फैक्टर, फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेंटॉफ फैक्टर के। तो यहां से आपको जो मैंने ये समराइज किया आप लोगों के लिए, किधर किया, इधर, हाँ ये आपको समझ में आया, ये वाला यार तुम लोग इसको प्लीज अलग से ऐसा स्पेशल नोट बनाकर लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे इफ यू विल फॉलो दिस। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें मेरे को बता दो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, अब देखो इसी बात के ऊपर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और जितना मैंने आपको सिखाया वहां से चार क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट की जगह वेपर प्रेशर पूछ लेते, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेते, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट पूछ लेते, कोई भी एग्जांपल दे दें आप उसको बता दोगे अगर आपको ये रिलेशंस पता है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन बी, वेरी गुड, बट बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यार ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जब आप एक एक को कंसिडर करेंगे तो NaCl के लिए आपके पास वेंटॉफ फैक्टर निकल कर आएगा 2, फिर यार BaCl2 के लिए आपका वेंटॉफ फैक्टर निकल कर आएगा 3,
यहाँ पर आपका वैंटॉफ फैक्टर निकल कर आएगा अराउंड 4, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से सबकी सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कोई सीन नहीं है। लेकिन जो आपका शुगर होता है, शुगर ग्लूकोज C6H12O6, वो क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड है, वो ऐसा डिसोसिएट नहीं करता, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज वहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक नहीं। तो वहां पर आपके पास वैंटॉफ फैक्टर का कोई सीन ही नहीं है, तो इसके लिए सबसे कम आपका वैंटॉफ फैक्टर आएगा। फॉर दिस यू हैव द यू नो क्या, सबसे कम मिनिमम वैल्यू ऑफ वैंटॉफ फैक्टर। और वैंटॉफ फैक्टर जितना कम होगा फिर फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैंटॉफ फैक्टर। तो इसके केस में आपका सबसे कम आ रहा है, तो यार इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये कर लाना होमवर्क, इसको अभी नहीं कर रहे, ठीक है, होमवर्क कर लेना भाई। इसको बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल, बस यहाँ पेंटामर लिखा है। पेंटामर का मतलब समझते हो तुम लोग, किस किस को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटामर? देखो यार, एक तो होता है आपके पास डायमर, एक होता है ट्राइमर, एक होता है टेट्रामर, एक होता है पेंटामर, एक होता है हेक्सामर। अब इसके आगे तुम कितना ही चल जाओ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। देखो, डायमर मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तीन एसोसिएट हो रहे हैं, चार पांच छः, तो पेंटामर मतलब जिसमें पांच मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको घर से कर कर लाएंगे, बड़ा ही सिंपल। उसके बाद यार, हाँ लास्ट, तो इसी के साथ साथ अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से इसको सुनेंगे। बहुत ही सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल, हेनरीज लॉ। हालांकि इसकी कुछ एप्लीकेशंस बनती हैं बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, जो हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ऐसा 10 मिनट की बात है। और स्पेशली NCERT में अलग से इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, एंड आई मस्ट टेल यू वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं स्क्यूबा डाइवर्स पर। और यार वो होता है एडेमा, एक कंडीशन होता है उसके ऊपर एनोक्सिया, आप ऊपर बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाते हो तो ऐसा होता है ना कि सांस कम आती है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल करते हो। गए हो आप कभी ऐसा माउंटेन, मतलब इधर उधर साइड ऐसा कुछ, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यार वो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा एनोक्सिया टाइप सिचुएशन हो जाता है। मतलब आपको एनोक्सिया इज लाइक कि ऐसा ब्रेथलेसनेस या फिर नोजिया टाइप सिचुएशन, उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर के ऊपर, हालांकि वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो वो सब इसकी एप्लीकेशंस बनती हैं। या फिर जितने स्क्यूबा डाइवर्स ऐसा अंडर द, मतलब यू नो अंडर वाटर ऐसा स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो वो क्यों जो वो पहनते हैं, ठीक है, अपने साथ वो उस टैंक के अंदर वो जो आपकी गैसेस होती है ना, उसमें थोड़ा सा हीलियम के साथ डाइल्यूट कर कर रखते हैं। तो हीलियम के साथ डाइल्यूशन क्यों करते हैं? ब्लड में बेंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए करते हैं, विच इज फैटल, ठीक है। तो उसको बेंड्स फॉर्म नहीं हो, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए। तो इस तरह की तीन चार एप्लीकेशंस है जो बहुत मजेदार भी है, और वो हम स्पेशल क्लास में लेंगे। पर देखो, एक एक मैंने इधर थोड़ी 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 आपके साथ डिस्कस कर ली, सो दैट ऐसा नहीं लगे ये तो है ही नहीं, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आता है भाई, तो इसको कर कर जाना है, राइट। अच्छा, दूसरी बात, हेनरीज लॉ क्या होता है, पहले इसको समझ लो। देखो, हेनरीज लॉ समझने के लिए लेट्स से आपके पास इस तरीके से एक कंटेनर है, है ना, और कंटेनर में क्या है, हमारा फेवरेट ब्लू है, पानी, पानी है ना, पानी है यार इसके अंदर। अब देखो, कंटेनर खुला हुआ है, अब कंटेनर खुला है यार, तो इसके ऊपर गैसेस होंगी। जैसे एयर में क्या होता है, एयर में मैक्सिमम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसमें से अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ आपके पास, इधर मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन गैस है, तो पता है क्या सीन होता है, हेनरीज लॉ आपको क्या बताता है कि यार आपकी जो गैस है, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, आपकी कितनी गैस लिक्विड में मिल जाएगी, सॉल्युबलाइज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज योर हेनरीज लॉ, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि अच्छा, मेरे को खुद एक बात बताओ, यहां पर मैं ऊपर से जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी, इस गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, उतनी ज्यादा ये आपकी नीचे सेटल होती चली जाएगी, मतलब उतना ज्यादा ये आपका जो है डिसॉल्व होती चली जाएगी, इजंट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जितना ज्यादा लगेगा, गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, या प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, बस इतना ही है हेनरीज लॉ, ठीक है। क्या कहता है कि आपके पास जो आपका प्रेशर होता है किसी भी गैस का, लेट से यहां पर ये ऑक्सीजन गैस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है प्रेशर पर, प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा प्रेशर, अब यहां मैं अलग से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे सॉल्युबलाइज होती चली जाएगी, तो
कितना ज्यादा प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। फिर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो। और दूसरी बात, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि आपको एयर की प्रेशर नहीं लेना है या मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर नहीं लेना है, वो वाली गैस जिसको आप यू नो कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ये, तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको KH से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर हेनरीज कॉन्स्टेंट। क्या होता है यार, ये हेनरीज कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दी सॉल्युबिलिटी। अब यार सॉल्युबिलिटी जो आपका है ना, उसको हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है, सॉल्युबिलिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओनली, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यहाँ पर दो लेते हैं। एक, कई बार तो आप मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हो, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा करके यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। तो आपके पास हेनरीज लॉ का जो NCERT में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर इस तरीके से लिखा मिलेगा, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH, और यहां पर आपको S बोले तो सॉल्युबिलिटी, या फिर ज्यादातर जो आप क्वेश्चन में यूज करते हो दैट इज दिस X, जहां पर आपका ये जो X है ये सॉल्युबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। X भी तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है, तो आप इसको ले लेते हो, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। कह दो यार, इतनी बात क्लियर है। ओए होए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम स्पेशल क्लास पे, दैट्स इट, ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें बहुत एक सिंपल सी बात है, बस यहाँ पर यार ये वही लिखिए स्टेटमेंट जो हमने पढ़ ली ऑलरेडी, उसके बाद ये जो आपने पढ़ लिया है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज योर सॉल्युबिलिटी। इसको हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है हेनरीज कॉन्स्टेंट KH। ये आपका जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है, दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है, यानी कि हर गैस के लिए KH की एक यूनिक वैल्यू होगी। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, फेवरेट एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो ये वाला है कि जो आपका सॉल्युबिलिटी ये होता है ना, क्या हेनरीज कॉन्स्टेंट यार, दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इस बात का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है, जिसका हेनरीज कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होने वाली है। तो यार अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं, अगर लेट्स से ये वाला क्वेश्चन, इसका मेरे को आंसर दो, क्या बोला मैंने आपको कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका, बता दो यार, कह दो प्लीज, बस फिर छुट्टी करेंगे आपकी। इसी के साथ डू नॉट मिस टू लाइक दी सेशन, क्योंकि सॉलिड स्टेट हमारा हो गया फिनिश, है ना, आपका सॉलिड स्टेट हो गया फिनिश, ओए होए, मजा आ गया मैम, है ना। हाँ, कल से हम स्टार्ट करें काइनेटिक्स, काइनेटिक्स स्टार्ट हो रहा है भाई कल से, काइनेटिक्स। कोई थोड़ी बहुत कुछ एक्साइटमेंट है तुम्हें नए यूनिट स्टार्ट होने की कि नहीं, ये बता दो। ए बोल रहे हो यार, पक्का? इतने यार तुम इंटेलिजेंट तो हो वैसे, है ना, लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है, टोटली मेरे को, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हो गया ये, पार्टी दो यार मेरे को, अब आप लोगों से मेरे को पार्टी चाहिए। हमारा सॉल्यूशंस ऐसे, आज हालांकि आज मंडे है लेकिन आज 31 जनवरी है ना, ऐसे सॉल्यूशंस फिर भी मैं तुम्हारा ऐसे खड़े खड़े इतना सारा पढ़ा दिया और फिनिश कर दिया। आई नीड अ पार्टी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, पार्टी करते हैं यार, आ जाओ। देखो अब उसके बाद हो गया, ये भी हो गया। हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई प्रेशर, इसको सुन लो भाई प्लीज, लास्ट बात, हाँ स्पेशल क्लास में कर लेते हैं, स्पेशल क्लास अब आपकी होगी, स्पेशल क्लास होगी आज 8:30 PM, आई शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू, है ना, क्योंकि यार क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, अब ये तो पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करते हैं, तो 8:30 PM आपकी स्पेशल क्लास है आज, राइट। अब बाकी सोच कर आना कैसे पार्टी दोगे तुम लोग मेरे को, अब तुम्हारी तरफ से आई नीड अ पार्टी, क्यों, क्योंकि आपका सोल्यूशन फिनिश करा दिया मैंने, ठीक है।
अब देख लो यार इधर, हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड फॉर हाई प्रेशर. इस बात का मतलब पता है क्या है? देखो वैसे तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती चली जाएगी. तो देखो यार तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हारे पास ये कंटेनर है. अब इस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है भाई? पानी रखा हुआ है ऐसे, ये रहा पानी है इसके अंदर, और उसके ऊपर क्या है भाई? गैसेज है. गैस कौन सी है? लेटेस्ट से आपके पास ऑक्सीजन गैस है. तो इधर से आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो. देखो यार एक पॉइंट आएगा कि आपकी सारी की सारी गैस इसके अंदर सॉल्युबल हो चुकी होगी, है ना. अब यार उससे ज्यादा तुम कितना भी प्रेशर लगा दो, अब तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया. जितना उसको सॉल्युबल होना था वो उतनी हो गई, जितनी उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थी आपकी गैस उतनी सॉल्युबल जितनी थी उतना वो हो चुकी है उसके अंदर डिसॉल्व. अब उसके बाद तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, बहुत हाई लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. एक पॉइंट पर सैचुरेशन रीच हो चुका है. सैचुरेशन मतलब अब इससे ज्यादा में कोई बात नहीं बन रही. अब जब इतना हो गया यार तो फिर कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला. इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है. राइट, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बट एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन प्रेशर आ जाएगा और उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए हेनरीज लॉ आपका हाई प्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर आने से पहले ही आपकी गैस सॉल्युबल हो चुकी होती है, डिजॉल्व हो चुकी होती है, सैचुरेशन प्रेशर रीच हो चुका होता है. उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप तो फिर ऐसे सोचेंगे कि बढ़ाते रहो सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी, बट नहीं, देयर इज अ लिमिट टू इट. बहुत हाई प्रेशर पर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है. ठीक है, बस इतना ही था. सॉल्यूशंस फिनिश. कल हम मिलते हैं आपका किसके साथ? एक न्यू यूनिट के साथ. और वो न्यू यूनिट कौन होने वाली है? काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं यार, बहुत ही मजेदार यूनिट है और ऐसा छोटू सी है. इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे. हाँ, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा. और इसी के साथ साथ पार्टी ऐसे भी हो सकती है आपकी. आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अभी फॉर दीज टू डेज, जिसमें से कि एक तो चला गया आज का दिन, जितना अभी बचा है बाकी पूरा दिन आपके पास है. आज के दिन के लिए 20% ऑफ आप ग्रैब कर सकते हो यार. और क्योंकि हमारा बैच भी अभी स्टार्ट हो रहा है, अब बहुत सारे और भी यू नो बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो 31st के लिए ये ऑफर वैलिड है. जहाँ पर जितने भी हमारे सब यू नो कोर्सेज हैं, प्लस पर हो, आइकॉनिक पर हो, सब पर ही आपको 20% ऑफ मिलता है. इतना बेनिफिट ऑल इन ऑल आप ग्रैब कर लेते हो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चेक कर सकते हो यार. ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड AKALIVE टू अवेल दिस ऑफर, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है, उसके बाद नहीं रहेगा. अनअकैडमी प्रोडिजी में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा. जैसे अभी आपने 29th का टेस्ट दिया होगा यार, बिल्कुल ऐसे ही आपका भी 6th February होने वाला है. सो आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर दिस टेस्ट. एंड ये बैच की मैं बात कर रही हूँ जो आपका 2nd February से स्टार्ट हो रहा है. जो टाइमिंग्स रहने वाली है दैट विल बी 7 PM, ठीक है. 7 PM मैं आपको पढ़ाऊंगी और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. किधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं? यहां से बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. और इसी तरीके से वी हैव मेनी मोर बैचेस फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल उम्मीद फिर से क्रैश कोर्स देखो आज से ही स्टार्ट हो रहा है 31st. उसके बाद यार ये आपका अंतिम युद्ध बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd February. देन वी हैव ऐसे ही और भी बहुत सारे बैचेस फॉर यू. ऑल यू हैव टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर लिखा है सब्सक्राइब हियर, वो वाले लिंक को आप ऐसा क्लिक करिए. यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज. इधर प्लस का ऑप्शन होगा, आइकॉनिक का होगा, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हो उस पर क्लिक करिए. फिर ड्यूरेशन पूछेंगे, तो ड्यूरेशन आप जो भी सेलेक्ट करते हो यार, फिर उसके बाद एक ऐसा कोड का कॉलम आता है, उसको खाली नहीं रखना है. उसमें आप क्या डाल देने वाले हैं? AKALIVE. क्या होगा कि आपको जितना अमाउंट वहां पर मेंशनड होगा उतना पे नहीं करना होगा. अरे यार अभी के लिए तो ऑफर है, तो आपको आज के लिए उसमें 20% ऑफ मिल जाएगा. पूरा अमाउंट आप पे नहीं करेंगे, 20% ऑफ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है. और इसी के साथ साथ जितने भी बैच हैं यार, जितने भी मैंने तुम्हें ये दिखाए, इसके अलावा भी जितने भी बैच होते हैं अनअकैडमी पर, सारे के सारे आप अनलॉक कर लेंगे. सब की क्लास में आप एंट्री मार सकते हो. बाकी आपका मन, आपको कौन पसंद है, किससे आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है. मतलब यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द बैचेस. इसी के साथ साथ इसके बाद आपका प्राइस हाइक भी है. तो आज तो यार फुल ऐसा मौका टाइप का सिचुएशन है वेयर यू आर गेटिंग दिस 20% ऑफ, और साथ ही साथ प्राइस हाइक भी अभी नहीं हुआ है, कल से वो भी हो जाएगा, 20% ऑफ भी नहीं रहेगा. तो यू विल बी पेइंग मोर, तो यू विल बी एट द बेनिफिट साइड अगर आप आज सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं. मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू एनीवेज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द अपकमिंग डेज, तो टुडे इज द बेस्ट डे फॉर यू, ठीक है.
इसी के साथ साथ डाउट पूछो यार, पढ़ाई करते हो तो डाउट तो आता होगा, है ना? पढ़ाई किए करते तो ये डाउट आता है वैसे, और अगर आपको नहीं आता है तो समझ जाओ, तो पढ़ाई करते हो डाउट आता है तो उसको सॉल्व भी करा लेना चाहिए डाउट को. और देयर इज दिस फीचर आस्क अ डाउट फीचर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहां पर आप एट अ टाइम 3 डाउट्स तक एक साथ पूछ सकते हो, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेगा. सो डू यू नो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. इसी के साथ साथ बस थैंक यू वेरी मच. द PDF विल बी फॉरवर्डेड टू द टेलीग्राम ग्रुप, डाउनलोड कर लीजिएगा. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सॉल्यूशंस के, हमने पूरा फिनिश कर लिया. 8:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और फिर वहां पर हम मिलते हैं. इसी नेक्स्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, बट तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, इसको बैकलॉग मत बनाइएगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर.